नमस्ते बिटिया, खुश रहो। माई सेल्फ डॉक्टर के चौधरी, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मेथोडोलॉजी, ज्योति विद्यापीठ, वुमेन यूनिवर्सिटी, जयपुर। सब्जेक्ट इज एनिमल डाइवर्सिटी एंड टुडे वी विल स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फाइलम प्रोटोजोआ। ठीक है कि फाइलम प्रोटोजोआ के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। प्रोटोजोआ, प्रोटोस मीन फर्स्ट और जून मीन एनिमल्स। प्रोटोजोआज आर द फर्स्ट एनिमल्स। दीज आर यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर और ए सेलुलर यूकैरियोटिक एनिमल्स। एक सेल के बने हुए यूकैरियोटिक एनिमल्स को क्या कहते हैं आप, प्रोटो जोआ। दीज आर मोस्ट प्रिमिटिव, मोस्ट प्रिमिटिव यानी कि सबसे पुराने ऑर्गेनिज्म। कंसिडर्ड एनिमल्स, इनको एनिमल्स माना गया है क्योंकि बिकॉज ऑफ हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड मोर्टेलिटी, कि इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है दैट इज हेट्रोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक नहीं है, यानी कि दे डिपेंड, हेट्रो मीन अदर्स, कि दे डिपेंड्स ऑन अनादर फॉर द फूड। हेट्रोट्रॉपिक एंड मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी यानी कि मूवमेंट वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दे कैन मूव, तो उसको आप, इसलिए इनको एनिमल माना गया है। एक तो खाने के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर सकते हैं, इसलिए इनको क्या कहा गया है कि फर्स्ट एनिमल्स, एनिमल्स की कैटेगरी में इनको डाला गया है। तो ऑल्दो द होल बॉडी इज ए सिंगल माइन्यूट सेल, यद्यपि क्या है कि जो पूरी बॉडी है वो एक सिंगल सेल ही है, एक से ज़्यादा सेल नहीं है, सिंगल सेल है, और वही सेल्स इट परफॉर्म ऑल द फंक्शन ऑफ द लाइफ। लाइफ के सारे फंक्शन वही सिंगल सेल परफॉर्म करता है। और इसकी देर आर अबाउट 50,000 स्पीसीज आर फाउंड, इन विच ओनली 30,000 आर प्रेजेंट, 20,000 हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुके जब अब तक। तो प्रोटोजोआ वॉज अ फर्स्ट, इसकी थोड़ी हिस्ट्री अगर आप पढ़ोगे कि फर्स्ट स्टडीड बाय द साइंटिस्ट, दैट इज द एंटन वॉन लीवेनहॉक इन 1677। सबसे पहले स्टडी करने वाले साइंटिस्ट का नाम था, दैट इज एंटन वॉन लीवेनहॉक। और जो प्रोटोजोआ की हम बात कर रहे हैं, द नेम प्रोटोजोआ वॉज क्वाइंड बाय द गोल्ड फर्स इन 1817। कि जो प्रोटोजोआ इनको नाम मिला है वो किस साइंटिस्ट ने दिया है, गोल्ड फर्स ने 1817 किया। द ब्रांच ऑफ देयर स्टडी इज कॉल्ड प्रोटोजूलॉजी, यानी कि जो प्रोटोजोआ की जो स्टडी है उसको आप क्या बोलोगे, प्रोटोजूलॉजी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया कि यूनिसेलुलर हैं, यूकैरियोटिक एनिमल्स हैं, सबसे पुराने हैं, है ना, और इनको एनिमल क्यों माना गया है, क्योंकि हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है और मोटिलिटी है, दूसरे के ऊपर खाने के लिए दूसरे पे डिपेंड है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव कर सकते हैं, और पूरी बॉडी सिंगल सेल की बनी हुई है। 50,000 स्पीसीज अभी तक हम जानते हैं इसकी, जिसमें से 30,000 अभी प्रजेंट हैं और 20,000 इसकी एक्सटिंक्ट हो चुकी है। सबसे पहले स्टडी करने वाला साइंटिस्ट एंटन वॉन लीवेनहॉक 1677 के अंदर, और जो प्रोटोजोआ नाम दिया गया वो दिया गोल्ड फर्स ने 1817 के अंदर, और स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ को आप प्रोटोजूलॉजी बोलते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंड, चले आगे। देन इसके सेलियंट फीचर्स देखते हैं। फर्स्ट है कि प्रोटोजोआ आर सिंपल एंड प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म। सिंपल भाई, सिंगल सेल है तो कॉम्प्लेक्स होने की तो बात ही नहीं, सिंगल सेल है इसलिए सिंपल है, प्रिमिटिव सबसे पुराने हैं, माइक्रोस्कोपिक यानी कि आप यू कैन नॉट सी देम विद नेकेड आई, नंगी आंखों से आप नहीं देख सकते, आप इनको माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं। तो पहला कैरेक्टर हो गया ये इसका कि सिंपल है, प्रिमिटिव है और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। दूसरा, दे आर फ्री लिविंग और पैरासिटिक। फ्री लिविंग यानी कि फ्री भी लीव करते हैं, और पैरासाइट, पैरासाइट यानी कि जो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहे खाने के लिए,
जो दूसरे को नुकसान पहुंचाए खाने के लिए, यानी कि बॉडी के अंदर भी हो सकते हैं, ये एंडोपैरासाइट भी हो सकते हैं और एक्टोपैरासाइट भी हो सकते हैं, बॉडी के अंदर भी मिल जाएंगे और बाहर भी मिल जाएंगे। सोलिटरी और कॉलोनियल, सोलिटरी का मतलब होता है जो अकेला रहता हो, कॉलोनियल यानी कि कॉलोनी में जो रहता हो, जो ग्रुप में रहता हो, ठीक है। दूसरा हो गया कि फ्री लिविंग, पैरासाइटिक, सोलिटरी और कॉलोनियल। थर्ड पे आते हैं, ऑल द फ्री लिविंग फॉर्म्स आर एक्वेटिक। अभी बात हुई ऊपर के जो फ्री लिविंग हैं, तो ये कह रहा है कि जितनी भी फ्री लिविंग हैं सभी क्या हैं, एक्वेटिक हैं, पानी में पाई जाती हैं, पैरासिटिक नहीं। ये फ्री लिविंग की बात कर रहा है कि जितनी भी फ्री लिविंग स्पीसीज हैं वो कहाँ पे पाई जाती हैं, आपकी पानी में पाई जाती हैं। तो ये तीन पॉइंट क्लियर हो गए, सिंपल, प्रिमेटिव, माइक्रोस्कोपिक, फ्री लिविंग या पैरासिटिक, सोलिटरी या कॉलोनियल, और फ्री लिविंग है वो पानी में मिलेंगे आप। देन द फोर्थ पॉइंट, दे आर एसिमेट्रिकल, यानी कि इनकी कोई सिमेट्री नहीं होती है, आप किधर से भी काटोगे। सिमेट्री का मतलब यानी कि दो इक्वल मिरर इमेज हो जाए, जिसको बाइलेटरली सिमेट्रिकल भी हैं कुछ, कुछ रेडियली सिमेट्रिकल हैं और कुछ एसिमेट्रिकल, ठीक है। बाइलेटरली सिमेट्रिकल यानी कि कट द बॉडी इनटू इक्वल हाफ्स और दोनों हाफ्स आपके मिरर इमेजेस हों, तो तीनों तरह के एसिमेट्रिकल भी हैं ये, जिनकी कोई शेप नहीं है, सिमेट्री नहीं है, रेडियली सिमेट्रिकल भी हैं और बाइलेटरली सिमेट्रिकल भी होते हैं। दीज आर यूनिसेलुलर, जो हम स्टार्टिंग में ही बता चुके हैं आपको, दे आर यूनिसेलुलर विद वन और मोर न्यूक्लियाई, जिसके अंदर एक न्यूक्लियस भी हो सकता है और एक से ज़्यादा न्यूक्लियस भी हो सकते हैं। नेक्स्ट, प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, के जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो फंक्शन है, जो कंट्रोल है, वो किसमें है, प्रोटोप्लाज्म के अंदर ही है, अलग से ना कोई टिश्यू है ना कोई ऑर्गन है। प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जो सिंगल सेल परफॉर्म्ड ऑल द एक्टिविटी ऑफ द लाइफ, कि जितनी भी इसेंशियल एक्टिविटी है लाइफ की, दीज आर परफॉर्म्ड बाय द सिंगल सेल। नेक्स्ट पॉइंट, कि लोकोमोशन इज इफेक्टेड बाय फ्लैजिला, सीलिया और सूडोपोडिया, ठीक है। कि जो लोकोमोशन है, लोकोमोशन यानी कि जो मूवमेंट है, जो एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है, वो किसकी हेल्प से होगा, या तो फ्लैजिला या सीलिया या सूडोपोडिया, तीन ऑर्गन हैं इनके लिए मूव करने के लिए, तीन चीज़ें हैं। फ्लैजिला, आगे आप यू कैन स्टडी इन द क्लासिफिकेशन, फ्लैजिला इन द क्लास फ्लैजिलेटा, सीलिया इन द क्लास सीलिएटा, सूडोपोडिया आर प्रेजेंट इन द क्लास राइजोपोडा। तो ये तीन चीज़ें हैं, फ्लैजिला, सीलिया और सूडोपोडिया की हेल्प से ये मूव कर सकते हैं। फिर आती है न्यूट्रिशन की बात, होलोफिटिक, होलो फिट, फाइट, फाइट यानी कि प्लांट लाइक, होलोजोइक, जोइक यानी कि एनिमल लाइक। तो न्यूट्रिशन क्या है, होलोफिटिक, होलोजोइक यानी कि प्लांट की तरह भी है, एनिमल की तरह भी है, सेप्रोजोइक, सेप्रो क्या होता है, सेप्रो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, इस तरह फंगस वगैरह जिससे न्यूट्रिशंस लेते हैं, तो गले सड़े मटेरियल से भी ये न्यूट्रिशंस ले लेते हैं और पैरासिटिक यानी कि पैरासाइट की तरह भी ये बॉडी में रहते हैं। तो न्यूट्रिशन होगी चार, होलोफिटिक, होलोजोइक, सेप्रोजोइक और पैरासिटिक। डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर, इंट्रा यानी कि विद इन द सेल, डाइजेशन वो किसके अंदर होता है, सेल के अंदर होता है, सेल के बाहर नहीं होता है, ठीक है। देन एक्सक्रीशन एंड रेस्पिरेशन अकर्स बाय द डिफ्यूजन, भाई एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट द दीज आर द सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, एक ही सेल पूरी बॉडी की एक्टिविटी प्रोवाइड करता है, फंक्शन करता है, ऑल द इसेंशियल एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड बाय सिंगल सेल। तो एक्सक्रीशन रेस्पिरेशन अकर्स बाय डिफ्यूजन, उत्सर्जन, एक्सक्रीशन यानी कि वेस्ट मटेरियल का रिमूवल, रेस्पिरेशन इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ CO2, किसके थ्रू, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, फ्लो फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। जिस तरह आप रेस्पिरेशन में आप देखेंगे कि एनवायरनमेंट के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा, बॉडी के अंदर कम, तो ऑक्सीजन किधर से किधर मूव करेगी, हायर से लोअर की तरफ, यानी कि एनवायरनमेंट से
बॉडी की तरफ मुंह कर जाएगी। दूसरा CO2 बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाएगी, क्यों कि जो ऑक्सीजन यूज होगी तो CO2 ही तो प्रोड्यूस होगी, तो CO2 बॉडी में ज़्यादा, एनवायरनमेंट में कम, तो CO2 बॉडी से एनवायरनमेंट की तरफ फ्लो करेगी, यानी कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर बाई डिफ्यूजन प्रोसेस। तो ये पॉइंट समझ में आए कि एसिमेट्रिकल, रेडियली सिमेट्रिकल और बाइलेटरली सिमेट्रिकल, यूनिसेलुलर है, एक या एक से ज़्यादा न्यूक्लियस हो सकता है, प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कोई टिश्यू, कोई ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम नहीं है, मूवमेंट किसके थ्रू होती है, फ्लैजिला, सीलिया और सूडोपोडिया के साथ होती है, न्यूट्रिशन में बात आई, होलोफिटिक प्लांट की तरह भी, होलोजोइक एनिमल की तरह भी, सेप्रोजोइक जो गले सड़े मटेरियल को खाते हैं, या पैरासाइट की तरह। डाइजेशन इंट्रासेलुलर, यानी कि सॉरी विद इन द सेल, सेल के बाहर नहीं होता है, और एक्सक्रीशन और रेस्पिरेशन डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू होते हैं। फिर है कि जो फ्रेश वाटर प्रोटोजोआ हैं उनमें ओस्मो रेगुलेशन इज कैरिड आउट बाय द कॉन्ट्रैक्टाइल वेब, कि जो फ्रेश वाटर हैं उनके अंदर जो ओस्मो रेगुलेशन है, जो वाटर का जो बैलेंस रखना है, वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की सहायता से होता है। इनसिस्टमेंट इज ए कॉमन फिनोमेना, इनसिस्ट यानी कि सिस्ट फॉर्मेशन, सिस्ट क्या होती है, एक हार्ड कवरिंग बना लेते हैं अंदर अनफेवरेबल कंडीशंस, जब कंडीशंस अपने फेवर में ना हो, ठीक है, तो ये अपने चारों तरफ एक हार्ड कवरिंग बना लेंगे जिसको आप सिस्ट बोलते हैं, और सिस्ट के अंदर ये सर्वाइव करते रहेंगे। एंड व्हेन द फेवरेबल कंडीशंस कम्स द सिस्ट इज ब्रोकन डाउन एंड दे स्टार्ट एंड इंडिपेंडेंट लाइफ, तो सिस्ट फॉर्मेशन इनके अंदर कॉमन है। रिप्रोडक्शन अकर्स बाई एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, रिप्रोडक्शन है वो सेक्सुअल मेथड भी है, यानी कि गैमेट फॉर्मेशन के थ्रू भी है और एसेक्सुअल मेथड के थ्रू भी होती है, ठीक है। दीज आर द सैलियंट फीचर्स ऑफ द फाइलम प्रोटोजोआ। दिस सेशन इज पावर्ड बाय डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ वुमेन यूनिवर्सिटी। होप यू विल अंडरस्टैंड अबाउट द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फाइलम प्रोटोजोआ। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, आई विल रिजोल्व इट। थैंक यू वेरी मच।